जिला सोलन के अर्की विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन पत्र भरने से पहले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अर्की में रैली निकाली और कार्यकर्ताओं के साथ मतदाताओं का अभिनंदन स्वीकार किया। गौर रहे कि इस बार मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह शिमला ग्रामीण सीट को छोड़कर अर्की से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पहले ठियोग से चुनाव लड़ने के लिए सीएम ने हामी भी भरी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अर्की से चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान किया। उन्होंने एसडीएम अर्की ईशा ठाकुर के समक्ष अपना पर्चा भरा। वीरभद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अर्की विधानसभा सीट से वे इसलिए नामांकन दाखिल कर रहे हैं क्योंकि पिछले लंबे समय से कांग्रेस ने ये सीट नहीं जीती है, जबकि ठियोग से कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हैं जो जीत का मायदा रखते हैं। नामांकन दाखिल करने के उपरांत वीरभद्र सिंह ने शालाघाट के कोटली मैदान में जनसभा की। उन्होंने क्षेत्र की जनता को विकास के नाम पर कांग्रेस की प्रदेश सरकार को बनाने का आह्वान भी किया। मैंने देखा अर्की की सीट जो है पिछले कई वर्षों से कांग्रेस जीत नहीं रही है। मैंने चुनाव से पहले ही मेरे मन बना लिया था कि मैं अर्की की सीट से मांगूंगा या विजय हासिल करूँगा। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर।